नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि दिल्ली के सभी स्टेडियम रात के 10 बजे तक खिलाड़ियों के लिए खुले रहेंगे। आपको बता दें कि थोड़े दिन पहले एक विवाद चल रहा था स्टेडियम को लेकर, जिसमें साफ तौर पर यह दावा किया जा रहा था कि संजीव खिरवार नामक एक IAS ऑफिसर है, उनके द्वारा रोजाना शाम के समय 7 बजे के बाद अपने कुत्ते को त्यागराज स्टेडियम के अंदर टहलाने के लिए लाया करते हैं, जिसकी वजह से जितने भी खिलाड़ी और साथ में कोच हैं उनको प्रैक्टिस करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ये मामला काफी दिनों से चल रहा है, जिसकी वजह से 3-4 महीने से कोच और जो उनके प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ी हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि पहले की बात करें तो जिस तरीके से जितने भी एथलीट हैं वो साफ तौर पर ये कहते नजर आए कि 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक रोजाना वो प्रैक्टिस किया करते थे। जब से संजीव खिरवार IAS ऑफिसर हैं, जो वो अपने कुत्ते को उस स्टेडियम के अंदर टहलवाने लाते हैं, यानी कि सैर कराने लाते हैं, जिसकी वजह से उनको स्टेडियम 7 बजे से खाली करना पड़ता था, जिसकी वजह से जो प्रैक्टिस है उनकी पूरी तरीके से नहीं हो पाती थी। जब वो 8:30 बजे तक पहले प्रैक्टिस किया करते थे, कोच जब उनकी प्रैक्टिस करवाए करते थे उसमें वो आधे आधे घंटे का ब्रेक भी ले लिया करते थे, लेकिन अब स्थिति कहीं ना कहीं खराब होती जा रही है। एथलीट को प्रैक्टिस करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि त्यागराज स्टेडियम वही है जब 2010 में कॉमनवेल्थ गेम के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से तैयार किया गया था, और इस स्टेडियम की जो समय था वो 4 बजे से 6 बजे तक खिलाड़ियों के लिए रखा गया था। हालांकि आपको बता दें कि उसके बाद इसका जो समय है वो बढ़ाकर 7 बजे तक कर दिया गया, यानी कि खिलाड़ी जो है वो अपनी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छे से कर सके। और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसे साफ किया गया है कि खिलाड़ियों के लिए दिल्ली के सभी स्टेडियम की टाइमिंग 10 बजे तक कर दी गई है, यानी कि 10 बजे तक एथलीट आसानी से अपने कोच के साथ स्टेडियम के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप भी ये मुद्दा लेता नजर आ रहा है। BJP की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर संजीव खिरवार के लिए कहा गया है कि वो प्रशासनिक ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं, और ये एक जांच का विषय है। इस पूरे मामले पर जांच होनी चाहिए कि वो क्यों अपने कुत्ते को 7 बजे के बाद त्यागराज स्टेडियम के अंदर घुमाते हैं। हालांकि आपको बता दें कि त्यागराज स्टेडियम को लेकर संजीव खिरवार ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने साफ किया है कि वो जब भी स्टेडियम के अंदर जाते थे तो कभी भी उनकी वजह से एथलीट को किसी तरीके की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा है। हालांकि उन्होंने इस बात को कबूला है कि वो कभी कभी अपने कुत्ते को स्टेडियम के अंदर लेकर जाते थे, लेकिन इस बात से उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि एथलीट को उनकी वजह से किसी भी तरीके से प्रैक्टिस में कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। वहीं इस पूरे मामले में जैसे मैंने आपको बताया कि BJP ने बयान दिया है, और उन्होंने कहा है कि ये जांच का विषय है, और अगर जांच के बाद कुछ निकलकर सामने आता है तो ऐसे अधिकारी को निलंबित कर देना चाहिए। अब आपकी इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो जांच के विषय पर बात चल रही है वो किस हद तक सही है, और क्या एक सरकारी अधिकारी को एक स्टेडियम के अंदर जाकर 7 बजे के बाद जो स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए है उसमें अपने कुत्ते को इस तरीके से घुमाना किस हद तक सही है, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन खुशी लाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।